दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की न्यू वेबसाइट के विषय में। यूआईडी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है आधार कार्ड की। जो भी आपके आधार के वर्क होते हैं वो सारी आप उस वेबसाइट से हुआ करेंगे, तो उसी का ओवरव्यू दूंगा और साथ साथ कैसे उसे यूज करना है, कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिली हैं उस न्यू वेबसाइट में, वो भी बताने वाले हैं। तो बने रहे स्टूडियो में लगातार। मैं उपवन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो सबसे पहले आधार कार्ड की जो UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, ओल्ड वाली, पहले उसका रिव्यू करते हैं। देखिए ये पुरानी वेबसाइट है जो अभी तक हम सभी लोग यूज़ करते थे। नई वेबसाइट की बात करें तो ये इसकी नई वेबसाइट है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसका URL भी बदला है, इसका URL है UIDAI.gov.in और इसका है myaadhar.uidai.gov.in। तो इसका देखिए बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं आपको। सबसे पहले डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड, चेक आधार, PVC कार्ड ऑर्डर स्टेटस, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, बुक एंड अपॉइंटमेंट, रिट्रीव लॉस्ट या फॉरगेटन EID, वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई आधार, UID जनरेटेड, लॉक एंड अनलॉक आधार। तो यहाँ पर ये सारी सर्विसेज आपको नई वेबसाइट में मिलने वाली है। नीचे अब आप आते हैं तो मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विथ आधार, प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप टू गेट रजिस्टर्ड। इस पर आप जैसे अगर क्लिक करते हैं तो अगर आपके मोबाइल में आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप इसे अपडेट करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि इसमें बताया गया कि आपको विजिट करना पड़ेगा आधार सेंटर, तभी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करा पाएंगे। डेमोग्राफिक डेटा अपडेट द नीड कुड अराइज फ्रॉम, आपको डेमोग्राफिक डेटा जैसे नेम वगैरह चेंज करना है, आपको DOB चेंज करना है, तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है। बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लेस देन 5 ईयर्स, 5 to 15 एंड ग्रेटर देन 5 ईयर्स, ये भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कैसे आप कर पाएंगे। अब अगर इसके होम पेज पर आते हैं तो अगर आपको ये सारी सर्विसेज लेनी है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल पर, आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। तो जैसे यहाँ पर आप आते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर जो भी है और कैप्चा ये डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो ये देखिए OTP मेरे में आ चुका है, मैं यहाँ पर अपना OTP इंटर करूँगा, लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पोर्टल है वो पूरा ओपन होकर आ जाएंगे, जो भी सर्विसेज है वो सारी आप यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ, यहाँ पर आपको फॉलोइंग सर्विसेज मिलती हैं जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड का, ऑर्डर आधार, UID, बैंक लिंकिंग स्टेटस वगैरह, देखिए ऑफलाइन KYC, ये अभी कुछ जो यहाँ पर सर्विसेज हैं वो अभी आप इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक आइकन मिलता है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आधार पूरा दिखता है, मैंने इसको हाइड कर रखा है। यहाँ पर पूरी डिटेल आपके आधार की दिखेगी। फ्लिप आधार पर क्लिक करेंगे तो आपका बैक साइड का जो होगा वो पूरा दिखने वाला है। तो ये सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड। तो अगर आपका आधार का और PVC कार्ड ऑर्डर करना तो यहाँ से कर पाएंगे, अपडेट अगर कोई भी करना तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर बताया गया कि आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सारी सर्विसेज हैं जो आप अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी आपको अपडेट करना है तो आपको प्रोसीड टू अपडेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए दिखता है लैंग्वेज आप अपडेट नहीं कर सकते, नेम अभी 2 चांस है जो हम अपडेट कर सकते हैं, अगर नाम हमारा गड़बड़ है तो आप 2 अभी ऑप्शन हमारे पास 2 अपडेट्स लेफ्ट लिखा है, मतलब 2 बार अभी हम चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी एक ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ भी एक बार हम चेंज कर सकते हैं, जेंडर भी और एड्रेस भी। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं सारी डिटेल कैसे आपको अपडेट करना वगैरह सब कुछ बताया गया है। डैशबोर्ड पर आएंगे तो अभी कुछ सर्विसेज देखिए हमारी लॉक हैं, जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड करना वगैरह, फॉलोइंग बकेट ऑफ ऑनलाइन आधार सर्विस अवेलेबल फॉर द एक्सेस, क्लिक ऑन द टैप टू नेविगेट टू सर्विस स्पेसिफिक पेज। तो जैसे बैंक लिंकिंग स्टेटस अभी अनेबल यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये सर्विसेज आप सारी इस नई वेबसाइट से यूज कर पाएंगे। तो ये एक बेहतरीन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप आधार कार्ड की बहुत सारी नई सर्विसेज यूज कर पाएंगे। वेबसाइट जो है myaadhar.uid.gov.in है। तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको रिव्यू करके दिखाई। जैसा भी वीडियो आपको लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।